हम बात करेंगे 21 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। दो दिन भी इसमें वीडियो नहीं आया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ फैमिली काम था, इसी के लिए दो दिन का करंट अफेयर का वीडियो नहीं दे पाया, इसी के लिए समझ करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 21 दिसंबर का करंट अफेयर के बारे में। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और भारत की स्टार महिला शल्टर पीवी सिंधु को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य बनाया गया है। 26 वर्षीय पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु को 5 अन्य खिलाड़ियों के साथ सदस्य नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक होगा। चलते हैं अगली न्यूज पर। सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पास हो गया। ये विधेयक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के पहचान पत्र से आधार संख्या को जोड़ने की अनुमति देता है। विधेयक को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के लोकसभा में पेश किया, जिसमें वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। चलिए अगली न्यूज पर। वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को सोमवार को चीन का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के 1990 के अधिकारी रावत फिलहाल नीदरलैंड में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रावत ने 2017 से 2020 तक इंडोनेशिया एवं तिमोर लेस्ते में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। राजस्थान सरकार की तीसरी सालगिरह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए सौगात देते हुए लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की है, जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में इस योजना की शुरुआत कर शुभंकर और लोगों का भी अनावरण किया। राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। यह योजना को क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग करेगा, जिसका संचालन इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 90 बैच के IPS विवेक गोगिया को सोमवार को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है। विवेक गोगिया NCRB के मौजूदा निदेशक रामफल पवार की जगह लेंगे। रामपाल पवार 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चलते हैं अगली न्यूज पर। क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को क्रिकेटर ऋषभ पंत को राज्य एम्बेसडर नियुक्त किया है। राज्य सरकार के मुताबिक उत्तराखंड के युवाओं को खेल कूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत के क्रिकेट खिलाड़ी ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज सपोर्ट। धन्यवाद।